लक्सर क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 वाहनों को सीज किया गया है। नमस्कार, यूके टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयशा। आपको बता दें, तहसीलदार सुशीला कोठियाल के द्वारा अवैध खनन परिवहन से लदे वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 10 अवैध खनन से लदे वाहनों को सीज कर दिया गया। बाकी कुछ ट्रक जो कि रात्रि के समय में तिरपाल डालकर अवैध खनन सामग्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिना बिल के सप्लाई करते हैं, अपने ट्रकों को ले जाने में कामयाब रहे। वहीं तहसीलदार सुशीला कोठियाल ने बताया कि क्षेत्र से अवैध खनन परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसी क्रम में अवैध खनन को रोकने के लिए देर रात से छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 8 ट्रैक्टर ट्राली व 2 डंपरों को अवैध खनन में सीज किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अवैध खनन से लदे वाहनों को SDM आवास पर ले जाया जा रहा है तथा संबंधित धाराओं में निरुद्ध किया जाएगा। लक्सर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट। खनन की शिकायतें आ रही थी, जिसके लिए मेरे द्वारा कल पूरी रात इसमें पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया गया। और भ्रमण के दौरान 8 ट्रैक्टर और 2 डंपर अवैध खनन करते हुए पकड़े गए और उनको सीज करके आवश्यक कार्रवाई हेतु अर्जुन साहब को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और अर्जुन साहब को